साहिबगंज जिले के राधानगर पुलिस ने छापेमारी कर कटहलाबाड़ी मोड़ से गुरुवार को बरहड़वा के युवक प्रदीप साहा को 4 बंडल प्रतिबंधित लॉटरी टिकट के साथ 77,400 रुपया नकद गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। वहीं राजमहल SDPO अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बरहड़वा थाना क्षेत्र का एक युवक सिरासिन के रास्ते राधानगर होकर कटहलाबाड़ी मोड़ पर लॉटरी का टिकट बेचने आ रहा है। सूचना मिलने के बाद त्वरित कटहलाबाड़ी मोड़ पर वाहन जांच के लिए टीम लगी थी। वाहन चेकिंग के दौरान वाहन संख्या J18H9892 को जब पुलिस ने रोका तो चालक भागने लगा। पुलिस ने खदेड़कर पकड़ लिया। जांच के दौरान 4 बंडल लॉटरी टिकट मिला और पॉकेट से 77,400 रुपया भी बरामद किया गया। पूछताछ में पता चला कि वो बरहड़वा के हाटपाड़ा का रहने वाला है। लंबे समय से लॉटरी का टिकट बेचने का काम करता है। थाना को एक सूचना मिली, एक व्यक्ति ब्लैक पल्सर से अवैध लॉटरी का टिकट खरीदा है और उसको घूम घूम कर बेच रहा है कटहलवाड़ी मोड़। इस सूचना के आधार पर त्वरित टीम का गठन कर अमन कुमार सब इंस्पेक्टर, ASI राकेश कुमार मंडल एवं आरक्षी रंजीत कुमार स्थान के और मोटरसाइकिल संख्या JH18H9892 को पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। वाहन का चालक भागने का प्रयास किया जिसे खदेड़कर टीम द्वारा पकड़ा गया। पकड़ाने के उपरांत उसके वाहन में लटका थैला मिला जिसका जांच किया गया तो पाया गया उसमें 4 बंडल लॉटरी टिकट है जो अवैध है और उसके पॉकेट से उस थैले से 77,400 रुपया पाया गया। पूछने पर उसने अपने पैकेट से बरामद रुपये के बारे में बताया। लॉटरी का टिकट कुछ व्यक्तियों को बेचा गया है, वही पैसा ही है, ये वह लॉटरी बेचने का काम खरीद कर बेचने का काम करते हैं। इन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तार कर न्यायालय में भेजा जा रहा है। राधानगर पुलिस टीम द्वारा सराहनीय काम की गई है, इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा।